कांग्रेस 75 प्लस सीटों पर हुई काबिज। बता दें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव व प्रभारी कुमारी शैलजा ने पदाधिकारियों में उत्साह का संचार करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए टिकट की दावेदारी करने का हक सभी को है। आप अपनी ताकत लगाएं, जीत के दावों का पुख्ता समीकरण भी बताएं। कांग्रेस जिसे उम्मीदवार बनाएगी उसके लिए हम सबको ईमानदारी और कर्मठता के साथ काम करना होगा। पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार को विजय बनाकर विधानसभा पहुंचाने और सबकी जिम्मेदारी होगी। पीसीसी प्रभारी ने पदाधिकारियों और दावेदार में उत्साह भरा और शपथ भी दिलाई। बता दें बुधवार को सिम्स के ऑडिटोरियम में बिलासपुर संभाग के साथ ही प्रदेश कांग्रेस की राजनीतिक सिमेट्री रही। संभागीय सम्मेलन में संभाग के सभी जिलों के पदाधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। ऑडिटोरियम पदाधिकारियों से खचा खच भरा हुआ था। पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा के पदाधिकारियों को अपने अंदाज में उत्साह भी बढ़ाया। पदाधिकारियों को रिचार्ज के साथ ही पार्टी अनुशासन की बात भी प्रमुखता के साथ कही। उनका कहना था कि चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं तो दावेदारी करिए, जमकर करिए। जिस सीट से टिकट मांग रहे हैं उसकी पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। बता दें कि जनकद्यता के आधार के लेकर सामाजिक परिस्थिति बीते विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पार्टी अगर जीती तो वह जीत का आधार और अगर पराजित हुई तो कारण को भी स्पष्ट करना होगा। उन्होंने साफ साफ कहा कि विधानसभा सीट बड़े ही वृद्धि जानकारी होगी। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इस बार 75 प्लस सीट के साथ हम काबिज होंगे, तो देखने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ के अंदर कितना सीटें लाती है कांग्रेस। आपको क्या कहना है इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं।